पहली बार हाथियों का प्रयोग मगध ने किया था, ठीक है। हाथियों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मगध ने। और मगध हाथी कहाँ से लेकर के आते थे? झारखंड से, ठीक है, हमारे झारखंड से। आजीवक संप्रदाय, ये आजीवक। गुड मॉर्निंग, तो आज के सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद। पर सेशन को शुरू करने से पहले यानी कि वीडियो को शुरू करने से पहले टॉपिक आज का, चलिए आज के मोटिवेशन कोट को देखते हैं कि आज का जो मोटिवेशन है कोट है वो क्या कहता है। तो वो कह रहे हैं, जो बाहर की ओर, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वो समर जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, हमें अंतर आत्मा की बात सुननी चाहिए और अपने अंतर आत्मा को जगाना चाहिए, ठीक है। तो उसी के साथ में चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का जो टॉपिक हमारा है महाजनपद, जिसमें से महाजनपद जिसे जिसमें 16 जनपद थे। कितने जनपद थे? 16 जनपद थे महाजनपद में, हमारे 16 जनपद थे। अच्छा, आपको ये चीज़ और याद बता दूं कि इसमें से 14 जो महाजनपद थे उसमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, क्योंकि ये जनपद थे यानी कि यहाँ पे शासन होते थे, ये क्षेत्र थे, राज्य थे, उसकी राजधानियाँ होती थी, बाकायदा उसमें से शासन करते थे राजा। यानी कि 16 जनपद हैं तो जन का जो मालिक होता था वो राजन कहलाता था, ठीक है ना। हम लोगों ने पहले, इससे पहले जो वीडियो थे उसमें से हम लोगों ने देखा था कि जो जन का जो मालिक होता था वो राजन कहलाता था, तो यहाँ पे राजा शासन करते थे। इसमें से 14 जो जनपद थे वहाँ पे शासन करते थे आपके राजा, ठीक है। और इसमें जब, चूंकि ये राजा शासन कर रहे हैं तो ये कैसा शासन होगा? राजतंत्र, ठीक है। पर दो जनपद उसमें जो थी वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ठीक है। तो चलिए शुरू, आगे अभी हम लोग देखते हैं 16 जो महाजनपद थे उसके राजधानियां जो कहाँ थी, और साथ में ही उसका अभी जो वर्तमान क्षेत्र है वो कहाँ पे है, इस चीज़ को पूरे पढ़ते हैं। अच्छा, एग्जाम से रिलेटेड अगर आप तथ्यों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय है, इसका स्रोत है ये क्वेश्चन जो है वो बहुत मैक्सिमम टाइम ये महाजनपद से, क्योंकि ये बहुत उतना बड़ा चैप्टर नहीं होता है, तो इसमें मुख्य रूप से 16 महाजनपद होते हैं, उसमें से महाजनपद और उसकी राजधानी और वो किस क्षेत्र में है, इस तरह के सवाल बनते हैं। तो इसमें स्रोत जो है वो बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय है, यहाँ से मुख्य रूप से सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए 16 महाजनपदों को हम लोग एक साथ देखते हैं, ठीक है। कोशिश करूंगा वीडियो लंबा ना हो। पहला है अंग, तो अंग की राजधानी थी चंपा। अच्छा, ये जो अंग थी इसका उल्लेख अथर्ववेद में है, ठीक है, अथर्ववेद में है। यानी कि आपको सवाल आ सकते हैं कि अथर्ववेद में कौन से महाजनपद का उल्लेख है, तो ये अंग थे, उसका उल्लेख महाजनपद ये कहाँ पे है? अथर्ववेद में। इसकी राजधानी थी चंपा, अभी जो है ये भागलपुर बिहार में ये स्थित है, ठीक है। इसको आप जनपद और उसकी राजधानी से सवाल डायरेक्ट आते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, बस डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, ठीक है। मगध जो थी, इस मगध राज्य थे, उसकी राजधानी थी गिरिब्रज, राजगिरी अभी जो कि पटना में, ऑब्वियसली पटना में ये पाया जाता है, सभी को मालूम होगा मगध। काशी यूपी में, काशी की राजधानी बनारस में आपको पता होगा BHU फेमस है, तो ये यूपी में पड़ता है। अगला क्षेत्र देखते हैं वत्स की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी, ठीक है, जो कि इलाहाबाद यूपी में मिलती है। अन्य क्षेत्र देखते हैं दूसरा वज्जी, अब देखिए यहाँ पे आपको गणतंत्रात्मक लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो वज्जी क्षेत्र है इसको जरूर से आप याद कर लीजिएगा और उसकी राजधानी भी याद कर लीजिएगा, तो ये वज्जी थी, गणतंत्रात्मक थी, ठीक है। इसकी राजधानी थी वैशाली यानी कि विदिहिया, जो कि बिहार में पड़ता है। अगला जो क्षेत्र था कौशल क्षेत्र था, इसकी राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती फैजाबाद यूपी में स्थित है ये, ठीक है। आगे देखते हैं अवंतिका की राजधानी क्या थी, अवंती राज्य की राजधानी जो थी, एक मिनट, हाँ, अवंती क्षेत्र की राजधानी जो थी वो हमारा उज्जैन, जो कि महेशपति थी, ये मेरठ में थी, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, माय मिस्टेक, मेरठ नहीं, मालवा के क्षेत्र में, ठीक है, MP में पड़ता है, मालवा MP, अवंतिका है मालवा उज्जैन में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। महेशमती मल, ये मल दो है, तो एक वज्जी देख रहे हैं और एक मल देख रहे हैं, इसको जरूर से याद रख लीजिएगा, ये दो गणतंत्रात्मक थे। अच्छा, अंग जो देश देख रहे थे वो उसका उल्लेख अथर्ववेद में है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अगला देखते हैं मल कुशावती, इसकी राजधानी यूपी में पड़ता है, ये कहाँ पे? यूपी में, मल यूपी में पड़ता है, इसकी राजधानी कुशावती, राज्य राजधानी याद कर लीजिएगा, इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं पंचाल,
राजधानी थी अहिछत्र, ठीक है, पांचाल की राजधानी अहिछत्र, ये कहाँ पड़ता है, बरेली यूपी रोहिलखंड में, ठीक है। अगला देखते हैं चेदी, इसकी राजधानी जरूर याद कीजिएगा, ये सवाल आया हुआ है इसलिए मैंने स्टार लगाया हुआ है। तो चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, चेदी की राजधानी शक्तिमती, ये कहाँ है, यूपी में। अगला क्षेत्र देखते हैं कुरु, कुरु की क्षेत्र थी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ, ये हरियाणा में पड़ता है, इंद्रप्रस्थ कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है, मुझे याद आ जा रहा है। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, जो कि राजस्थान में स्थित है। आगे चलते हैं कंबोज, कंबोज की राजधानी थी हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक, राजौरी क्षेत्र में ये पड़ते हैं, ठीक है, कंबोज दूर में है, ये दिल्ली तरफ उधर पड़ जाते हैं। सुरसेन, जो कि मथुरा यूपी में है, ठीक है, सुरसेन की राजधानी कहाँ थी, मथुरा, सुरसेन की राजधानी मथुरा यूपी में पड़ती है। अस्मक, ये दक्षिणतम क्षेत्र था, पूछ सकता है सवाल, ये मैंने लिखा नहीं। अस्मक जो है, अस्मक जो क्षेत्र था ये दक्षिणतम क्षेत्र था, आपको पूछ सकता है कि जो महाजनपद थे, समय थे 16 महाजनपद में, उसमें से दक्षिणतम क्षेत्र कौन सा था, तो वो अस्मक क्षेत्र था, ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। पोटली, इसकी राजधानी पोटली, अब चूंकि ये जो एग्जामिनर जो होता है जिस टॉपिक से सवाल बनता है हमेशा वहीं पर अंदर जाता है, तो ये इसमें जो अस्मक है इसी अगर नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछना होगा तो वो पूछेगा, इसकी राजधानी पूछ सकता है, तो ये याद रख लीजिएगा, पोटली या पोतल इसकी राजधानी थी, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, इस चीज़ को जरूर से अस्मक को याद रख लीजिएगा, पोटली और गोदावरी तट के, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये अगला है आपका गांधार, गांधार की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला, ये पाकिस्तान में रावलपिंडी में, अब तो ये पाकिस्तान हो गया, पहले ये इंडिया का क्षेत्र था, तो ये गांधार जो है तक्षशिला इसकी राजधानी थी और ये पाकिस्तान में भी पड़ता है रावलपिंडी में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक तक्षशिला, हाँ ये इसकी राजधानी कहाँ, ये राजधानी तक्षशिला की क्या थी, गांधार, ठीक है। ये जो है ये सिंधु, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, सिंधु और झेलम नदी के तट पर स्थित है, सिंधु और झेलम नदी के तट पर कौन सा राज्य क्षेत्र स्थित है, तक्षशिला, जो किसकी राजधानी है, गांधार की राजधानी है। चलिए अगला चलते हैं आपको पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं, उदयी ने पहली बार बसाया था, पाटलिपुत्र को उदयी ने बसाया, फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है, पाटलिपुत्र को उदयी ने बसाया था, ठीक है, उदयी ने। अगला देखते हैं गौतम बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे, गौतम बुद्ध के समकालीन, तो गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे, बिंबिसार, प्रसन्नजीत और आजाद शत्रु, आजाद शत्रु मगध से रिलेटेड है, ठीक है, मगध से रिलेटेड, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अभी चार जो प्रमुख जो महाजनपद थे उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है, और उसको भी जानेंगे। पहली बार हाथियों का प्रयोग मगध ने किया था, ठीक है, हाथियों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, मगध ने, और मगध हाथी कहाँ से लेकर के आते थे, झारखंड से, ठीक है, हमारे झारखंड से। आजीवक संप्रदाय, ये आजीवक संप्रदाय थे, ठीक है, इसको अशोक ने भी इसको संरक्षण दिया था, मतलब आपको बारबर की पहाड़ी जो है वो क्षेत्र पड़ता है, वो भी इस पे क्षेत्र था। अच्छा, उस टॉपिक पे आएंगे तो अशोक का मौर्य काल समय, तो उसमें हम डिटेल करेंगे। आजीवक जो था वो बुद्ध के समकालीन संप्रदाय थे, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आजीवक जो संप्रदाय था वो भी बुद्ध के समकालीन, तो बुद्ध के समकालीन कौन कौन हुए, बिंबिसार, ठीक है, प्रसन्नजीत, क्योंकि बिंदुसार तो वो शासन काल जाता है मौर्य के शासन काल में, तो उस समय तक तो वो गौतम बुद्ध थे नहीं, तो बिंबिसार, आजाद शत्रु, प्रसन्नजीत, ये सभी थे, ठीक है। चलिए अगला आगे देखते हैं। अच्छा ये देखिए कार्नि, जो कि कालक्रम है, ये हरण्यक वंश, ठीक है, आपका हरण्यक वंश, हरण्यक वंश के बाद आते हैं आपका नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर सुंग वंश, ठीक है। नंद वंश के पद्मा जो अंतिम दो थे, क्या नाम था इसका, धनानंद, धनानंद को मार करके मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद जो बना हुआ था वो सुंग वंश थे, ये पूछा जाता है, तो हरण्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश इसकी थी। चलिए अगला देख देते हैं, देखते हैं सब टॉपिक, सबसे शक्तिशाली जनपद, सबसे शक्तिशाली जनपद जो कि चार थे, ठीक है, प्रद्योत ये राजा थे, क्षेत्र जो है अवंती है, अवंती क्षेत्र था, उसके राजा जो थे वो प्रद्योत थे, उदयन जो कि अभी पढ़ रहे थे हम लोग, जो कि बुद्ध के समकालीन थे, सॉरी ये उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था, उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था, ये वत्स की क्षेत्र थे, वहाँ के राजा थे, और कौशल की राजधानी, कौशल के जो क्षेत्र थे उसकी राजा जो थे वो प्रसन्नजीत थे। अब आते हैं मगध, ये भी इम्पोर्टेंट था, मगध से हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से जो थे हाथियों का सबसे पहले प्रयोग किया था, ये हरियक वंश से आजाद शत्रु जो थे, हरियक वंश के थे आजाद शत्रु, तो ये मगध के ही थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन लास्ट है, महाजन पद काल में कृषि के उपज का कितना प्रतिशत भाग वसूल करते थे, तो 1/6, इसको याद रख लीजिएगा, इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है, 1/6।
तो आज का ये जो टॉपिक था महाजनपद, ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक लेकर के मैं जल्दी वीडियो लेकर आके आऊँगा। तो आज का अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और बस एक लाइक, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बाय, टेक केयर।